अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखो बिरयानी पका रहे है। देखो मेरा भाई, ये देखो हमारे मामा ऊपर से आए। देखो आज मामा का बर्थडे है आज। ये देखो शयान, ये देखो इन्हें शामिर, इन्हें शहीसा, देखो हमारी टीवी चालू है, देख रहे तुम कितनी अच्छी तरीके से मिला रहे। टमाटर डाल रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, वेलकम है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जो है वली का बर्थडे होने की वजह से सब यहाँ पे डिनर लंच हमारे यहीं पर है कर रहे हैं। वैसे बिरयानी जो है प्रिपेयर्ड बाय हुसैन वली, और शयान को देखो सब यहीं पर बैठ के खा रहे हैं। और जो वीडियो इससे पहले जो है वो शोएब ने बनाया था, वो बता रहे थे कि आज का वीडियो वही बनाएगा। उसके बाद इवनिंग पार्टी थी, छोटी सी पार्टी थी। उस पार्टी में जो है मैंने खुद वली के बर्थडे के लिए मैंने खुद प्रिपरेशन किया है। जो भी डेकोरेशन था जो मुझे पता था उसी को मैंने प्रिपेयर किया है। बस यहाँ पे मैं कोई भी घर पर नहीं था इवनिंग पे, तो बस मैं और जगती जो है हम दोनों इसको रेडी कर रहे थे। जगती ने वीडियो बनाया है यहाँ पर, और थोड़ा लाइटिंग यहाँ पर थोड़ा डिम लो आ रहा है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे घर पे ना शयान भी सो रहा था। आज हमारे यहाँ मतलब केएलडी में कुछ उरुस चल रहा था, क्योंकि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक दैट सो दोज प्रोग्राम्स। सो मैं नहीं गई थी, बस मुझे डेकोरेशन करना था बर्थडे के लिए, तो मैं बस उसी को ही प्रिपेयर कर रही थी। और बस उसके अलावा जो है हुसैन वली ने केक को ऑर्डर किया था मैंने, बट हुसैन वली गए थे लेकर आने के लिए। मैंने तो सरप्राइज़ प्लान किया था बट फ्लॉप हो गया, क्योंकि बिटवीन डेकोरेशन के बीच में ही वली घर पे आ गए थे। बिकॉज़ वो इससे पहले जब केक लाने से पहले ही वली के फ्रेंड जो है साई ने खुद उन्होंने भी एक केक लेकर आए थे केक कटिंग के लिए, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम है। सो उन्होंने जल्दी केक कटिंग के लिए बताया था, तो वली बाहर गए हुए थे, तो उनको बाहर से वो आ गए थे घर पे। नेक्स्ट जो है हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, इट्स ओके, बट फिर भी मैंने किया जितना हो सका उतना। और हमने केक कटिंग भी 2 टाइम्स किया था, जब तक मैं डेकोरेशन कर रही थी तब तक वली भी, सॉरी घर में सब लोग भी आ गए थे। केक कटिंग से पहले इवनिंग जब सब लोग बाहर गए हुए थे, उस टाइम पे ये दोनों जो मिल के फ़ोटोशूट किया था। क्या कितना स्माइल कर रहे हैं, देखो डैडी के साथ ना, अच्छा लग रहा है ना दोनों। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। सब आने के बाद जो है दोबारा से हमने केक कटिंग किया। केक कटिंग में जो है उसके अलावा जो है शयान की तरफ से वली के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था, बट देखने के लिए बड़ा सा था, वो सरप्राइज़ गिफ्ट था। इसके बारे में शयान को सॉरी वली को पता नहीं था, तो हमने उसको भी शयान की तरफ से फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट था उसके डैडी उनके डैडी के लिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ शयान का टी शर्ट, देखिए अपने डैडी के बर्थडे पे इतना प्यारा लग रहा है।
यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ये सब कुछ डेकोरेशन मैंने खुद किया था। ये सब जो है कॉम्बो पैक था और मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। यहाँ पे जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब पीछे से शयान वॉइस ओवर देता है। वली का ये फर्स्ट बर्थडे है आफ्टर ही बिकम माई फादर। ये और यहाँ पे ये जो गिफ्ट है शयान की तरफ से उसके डैडी के लिए गिफ्ट है। देखने के लिए बस ये बड़ा सा है बट अंदर इसके आप खुद देख लीजिएगा कि क्या है बोल के। ये खुद वली ओपन करेंगे अभी। ओके और देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर बहुत छोटा सा गिफ्ट है बट यहाँ पे देखने के लिए बड़ा सा दिख रहा है और यहाँ पे वाली जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ओके लेट्स एंजॉय। वली को ऐसे लगा कि यही फाइनल गिफ्ट है। ये बोल रहे थे कि एक्चुअली ये इसी को मैंने फाइनल किया था बट हुआ ऐसे कि इसको वली ने देख लिया था तो वही बोल रहे थे कि ये तो मैंने मुझे पहले से ही पता है बट उसके बाद दोबारा से प्लान चेंज करके हमने तुरंत दोबारा से दूसरा गिफ्ट लेकर आए थे उसको भी हमने इसी में रखा है। और वली कह रहे थे कि बस यही फाइनल है बट फिर भी बाद में इसको पता चला अनएक्सपेक्टेडली हमने फाइनल किया था जो लास्ट में गिफ्ट आने वाला है उसको वो वाला। अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड कुछ आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये सब कुछ शयान का है, शयान खेल रहा है ना इसलिए ऐसे आ रहा है। ओके फाइन गाइस आई थिंक यू गाइस विल एंजॉय दिस वीडियो।
हैप्पी बर्थडे एंग्री बर्ड। एंड हियर इज लास्ट फाइनल गिफ्ट इज हियर, और यही है जो फाइनल गिफ्ट था जो शयान के तरफ से था अपने डैडी के लिए, फर्स्ट गिफ्ट था। बस आज के लोग यही तक है, और आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब सिर्फ देखेंगे नहीं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो ज़रूर कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो है मुझे किसी ने पूछा था, कमेंट भी किया था कि आप व्लॉगिंग डेली अपडेट कीजिएगा, बट आई एम सॉरी अगर आपको मैं डेली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि मैं बेबी को हैंडल नहीं कर पाती हूँ अकेली, मतलब उसको लेके मैं व्लॉगिंग बनाऊँ और एडिटिंग करूँ ऐसे नहीं हो पाता है मुझे, और इसकी वजह से मैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कि कभी कभी मैं व्लॉगिंग बना भी लेती हूँ बट एडिटिंग करने में मुझे बहुत दिक्कतिंग होती है, और उसको भी मैं अपडेट करने भी प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाती हूँ। फाइन गाइस, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। फाइन ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।